पल्प एंड पता का यूज करना है एंड सेम लेग मूवमेंट और योर टोज. जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था लेग मूवमेंट और सेकेंड वीडियो में मैंने हैंड्स मूवमेंट बताए थे. अभी हम लोग थर्ड पार्ट में लेग एंड हैंड मूवमेंट्स यूज करेंगे. तो चलो शुरुआत करते हैं. सी हैंड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जैसे मैं राइट लेग और राइट लेग टोस के ऊपर लेके उसको टैप करती हूँ वैसे मेरा वेस्ट राइट साइड पे आउट होता है. जब भी आप राइट लेग पे टैप करोगे तो आपका वेस्ट यहाँ से आउट होना चाहिए. सी लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके नाउ आप भी मेरे साथ कीजिए. हैंड्स ऐसे रखना है, एल्बो से बेंड होना चाहिए और लेफ्ट हैंड वेस्ट के साइड पे होना चाहिए. लेफ्ट हैंड भी सेम एल्बो से बेंड होना चाहिए. नाउ 1, 2, 3 स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप. अभी हम लोग सेकेंड स्टेप पे थे. मैं यहाँ से राइट साइड पे थोड़ा सा टर्न हो गई हूँ. सी माय लेग का, मेरे लेग का एंगल देखिए, ऐसे लेग स्ट्रेट होना चाहिए. राइट हैंड डाउन, फिंगर्स ओपन होने चाहिए एंड लेफ्ट हैंड उसके नी के पास होना चाहिए. ओके और उसे ऊपर की तरफ खींचना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जब भी आप 8 करोगे तो हैंड सर के ऊपर होना चाहिए ऐसे. 8 मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ आपको. सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके जैसे मैं हैंड्स नीचे से ऊपर लाती हूँ वैसे मैं आगे की तरफ से थोड़ा बेंड करते लेफ्ट लेग मेरा स्ट्रेट होना चाहिए और राइट लेग बेंड होना चाहिए. तो चलो एक बार फिर से देखेंगे. राइट लेग थोड़ा सा आउट किया है मैंने और उसी डायरेक्शन के साथ मेरा लेफ्ट लेग पीछे की तरफ लिया है. राइट हैंड टोस की तरफ गया है तो लेफ्ट हैंड नी की तरफ आया है और उसी के साथ मैं उसको ऊपर लेके जाती हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप. अभी हम लोग थर्ड स्टेप करते हैं. थर्ड स्टेप क्या करना है, हैंड्स को क्रॉस करना है, छोड़ देना है, क्रॉस करना है, छोड़ देना है. ओके एंड लेग मूवमेंट, राइट लेग ऑन योर टोज, लेफ्ट लेग फ्लैट करना है, हैंड्स को क्रॉस करोगे. सी हैंड्स एंड लेग मूवमेंट दोनों एक साथ करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वन मोर टाइम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. आप भी मेरे साथ कीजिएगा. हैंड क्रॉस, राइट लेग ऑन योर टोज एंड हॉप करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. अभी फोर्थ स्टेप क्या करना है, हैंड्स को ऐसे रखना है, सिर्फ पॉइंटर फिंगर अप होनी चाहिए, बाकी के सारे फिंगर्स शोल्डर को टच करना है. ओके लेग मूवमेंट सेम रहेगा. राइट लेग ऑन योर टोज, हैंड्स को नीचे से ऊपर शोल्डर के पास लाके रखना है. ओके तो चलो दिखाती हूँ कैसे करना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके वन मोर टाइम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जब हम लोग नीचे से लेते हैं, हैंड्स को नीचे से लेते हैं तो थोड़ा सा आगे की साइड पे बेंड होना है. सी लाइक दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है आप भी मेरे साथ कीजिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप. अभी फोर्थ स्टेप को हम लोगों को क्या करना है, हैंड्स दोनों हैंड्स को ऐसे
लॉक करना है और लिटिल बिट लेफ्ट साइड की तरफ टर्न होना है। अगर आप पूरा होश आओगे तो आपकी स्टेप नहीं दिखेगी, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा टर्न होना है। एंड राइट लेग उठा के उसके नी को टच करके हैंड शोल्डर की तरफ टच करना है और जंप करना है। मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वन मोर टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, तो आप भी मेरे साथ कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो ये हो गया हमारे फोर्थ स्टेप। अभी हम लोगों को क्या करना है, टर्न लेना है। टर्न कैसे लोगे, हैंड्स ऊपर से, यहाँ से यानी कि शोल्डर के पास से नीचे लेके जाना है और राइट लेग, सॉरी लेफ्ट लेग टोस के ऊपर रखना है एंड राइट लेग को पूरा फ्लैट करके दोनों लेग्स नी से बेंड करने हैं। ओके, ऐसे करके उठना है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वन मोर टाइम जंप करके नीचे बैठेंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. वन मोर टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नाउ ये सारे स्टेप आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करना है। मैं आपको क्यों बोल रही हूँ कि मिरर के सामने करो, ताकि आपको पता चलेगा कि आप ठीक कर रहे हो